इतिहास साक्षी है कि पुण्य भूमि भारत की गाथा भारत की अस्मिता गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए विदेशी आक्रांताओं से संघर्ष की महान गाथा है। बर्बर आक्रांताओं ने भारत की आत्मा पर चोट करने और भारत का अपमान करने के लिए हमारी संस्कृति और आस्था के केंद्रों को ध्वस्त किया। सोमनाथ, काशी, मथुरा और अयोध्या के मंदिरों का तोड़ा जाना आज भी भारत की स्मृतियों में जीवित है। सन 1528 में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का मुगल आक्रांता बाबर द्वारा तोड़ा जाना ऐसी ही एक अक्षम्य घटना थी जिसने सीधे भारत के सम्मान और आत्मा पर चोट की। कारण साफ था, अयोध्या के श्री राम के मंदिर पर आक्रमण भारत की आत्मा पर आक्रमण था। जहां हर भारतीय के रोम रोम में राम बसते हैं, वह भारत यह अपमान कैसे सहता। राम मंदिर पर आक्रमण भारत को आहत कर गया था। विदेशी हमलावर अपनी बर्बरता दिखाते गए और भारत अपने आत्म गौरव को फिर से पाने के लिए संघर्ष करता रहा। भारत रामलला के जन्म स्थान पर बाबर के नाम पर बने एक ढांचे को देखता और उसे हटाने का संकल्प लेकर शक्ति संजोया करता। हिंदू समाज आत्मसम्मान के रण में डटा रहा और लगातार हमलावरों द्वारा बनाए गए बाबरी ढांचे को हटाने के लिए लड़ता रहा। सरयू कई बार रक्त से लाल हुई। कभी स्थानीय शासकों ने तो कभी साधु संतों और राम भक्तों ने राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 74 बार युद्ध हुए, हम कुछ मोर्चे हारे पर रण जीतने का संकल्प कभी कम नहीं हुआ। हिंदू समाज तलवारों से रक्त रंजित हुआ पर उसने हार नहीं मानी, उसका संकल्प अजेय था। 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के साथ सैकड़ों सालों से चले आ रहे इस संघर्ष में नई ऊर्जा और एक नया मोड़ है। अचानक 23 दिसंबर 1949 को बाबरी ढांचे में श्री राम लला प्रकट हुए। हजारों राम भक्त दर्शन के लिए उमड़ पड़े। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश सरकार को श्री राम लला को विवादित ढांचे से हटाने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के कलेक्टर को यह काम दिया और यह निर्देश भी कि जरूरत पड़ने पर वे बल का प्रयोग भी करें। अयोध्या के कलेक्टर ने सरकार को उत्तर दिया कि यह नरसंहार के बिना संभव नहीं है और फिर भी वह ऐसा चाहती है तो किसी दूसरे कलेक्टर से यह काम करवा ले। परिणाम स्वरूप राम लला की मूर्ति वहीं विराजमान रही। विवादित ढांचे को बंद कर दिया गया। केवल पुजारी को सेवा अर्चना के लिए भीतर जाने की अनुमति थी। फिर भी राम भक्त विवादित ढांचे के बाहर से प्रभु श्री राम की आराधना करते रहे। भारत के हिंदू समाज के लिए चुनौतियां और बढ़ गईं। मामला अदालत में गया। विपक्षी दलों द्वारा अदालत में भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए। उनके अयोध्या में ही जन्म लेने का प्रमाण मांगा गया। भारत का जनमानस अब आहत हो उठा था। आजाद भारत में भी हिंदू समाज को अपनी आस्था और श्रद्धा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। चुनौतियों के इस समय में सन 1984 में विज्ञान भवन दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद का आयोजन किया। इस संसद में देश भर के संतों ने राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए आह्वान किया और राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन किया। धर्म संसद ने राम जन्मभूमि की मुक्ति और वहां भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बनाने के भारत के जनमानस के संकल्प को फिर से दोहराया। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में अभूतपूर्व आंदोलन की शुरुआत हुई। श्री राम जन्मस्थली मुक्ति यज्ञ समिति के साथ देश भर में राम जानकी की रथ यात्राएं निकली। राम लीलाओं में राम कथा के माध्यम से भारत का आम जन फिर से जुटा। अब सबके मन में एक ही प्रण था, एक ही लक्ष्य था, अयोध्या में जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण। सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा गांव-गांव से राम शिला पूजन करके अयोध्या भेजी गई। 2,75,000 गांवों से राम शिलाएं अयोध्या पहुंची। भव्य राम मंदिर के शिलान्यास का निर्णय हुआ। पूज्य संत महात्माओं और हिंदू समाज के अन्य प्रमुख नेताओं के निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति के प्रमुख नेता श्री कामेश्वर चौपाल ने 9 नवंबर 1989 को मंदिर निर्माण का पहला पत्थर रखा।
राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सन 1990 में सोमनाथ से अयोध्या के लिए श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की शुरुआत की। देश में जन भावनाओं का ज्वार उबड़ने लगा। श्री लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा के साथ साथ मंदिर के लिए जन समर्थन बढ़ने लगा और छद्म सेकुलरवाद बेनकाब होने लगा। इस जन आंदोलन को रोकने की तमाम कोशिशें हुई पर सब व्यर्थ हुई। विश्व हिंदू परिषद ने देशवासियों से अयोध्या में जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 1990 को कार सेवा का आह्वान किया। परिणाम स्वरूप लाखों राम भक्त कार सेवा के लिए देश के कोने कोने से अयोध्या आए। इससे देश की एकात्मता का विराट दर्शन हुआ। कार सेवकों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में परिंदे को भी पर न मारने देने की घोषणा की। स्थितियां गंभीर हो गई। अयोध्या से 100-200 किलोमीटर दूर रेलगाड़ियां रोक दी गई। अयोध्या युद्ध भूमि बना दी गई। मार्ग बंद, रेल बंद, चप्पे चप्पे पर पुलिस। अयोध्या सैनिक छावनी में बदल गई। राम नाम पर ऐसी पाबंदी कि अर्थी ले जा रहे लोगों तक को रोका गया, क्योंकि वे राम नाम सत्य कह रहे थे। लेकिन सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर कार सेवक अयोध्या पहुंचने लगे। राम के गीत गाते, होठों पर हंसी और पांव में छाले लिए राम काज के लिए राम भक्त देश विदेश से अयोध्या पहुंच ही गए। कार सेवकों पर गोलियां चली, अनेक कार सेवक शहीद हुए। आजाद भारत में जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए कार सेवकों ने फिर एक बार अपना बलिदान दिया, पर कार सेवकों ने विवादित ढांचे पर भगवा फहरा ही दिया और इस तरह कार सेवा सफल हुई। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन ने भारत की सुप्त आत्मा को झकझोर कर जगा दिया। विश्व हिंदू परिषद ने फिर एक बार 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा का आह्वान किया। राम भक्तों को कार सेवा करने देने के लिए अदालत में प्रार्थना की गई, पर अदालत ने कोई निर्णय नहीं दिया। परिणाम स्वरूप बौद्ध, जैन, सिख, स्वामीनारायण संप्रदाय, गायत्री परिवार, हर पंथ मत विचार के हिंदू एकत्र हो गए। छूत अछूत का भेद मिटा, जाति की पहचान मिटी, हम सब हिंदू, हम सब सिंधु बन गए। राम सिंधु में ज्वार उठा और देखते ही देखते 6 दिसंबर 1992 को श्री राम जन्मभूमि से बाबरी ढांचा सदा के लिए हट गया। यह क्षण शौर्य, न्याय और सत्यमेव जयते का क्षण था। यतो धर्मस्ततो जय का क्षण था। पर संघर्ष की गाथा यहां जाकर भी नहीं रुकी। छद्म सेकुलरवादियों द्वारा भारत और भगवान श्री राम के इतिहास को झुठलाने के लिए अदालतों में चुनौतियों का सिलसिला चलता रहा, जो 1950 से चल रहा था। हिंदू सिखों के बीच से गुजरते हुए भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए विवश थे। यह स्थिति थी आजाद भारत में श्री राम और राम भक्तों की। पर सत्य को तो जीतना ही था। आखिरकार देश के सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की खंडपीठ ने 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक निर्णय दिया और यह कहा कि अयोध्या जन्मभूमि परिसर की पूरी 67 एकड़ भूमि रामलला की। और न्यायालय ने भारत सरकार को जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार भारत सरकार ने 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम के ट्रस्ट का गठन किया और राम जन्मभूमि न्यास की भूमि जो सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी उसे ही नव निर्मित न्यास को वापस दे दिया गया। 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस तरह लगभग
500 वर्षों से राम जन्मभूमि की मुक्ति के संघर्ष का पटाक्षेप हुआ। अपने आत्मसम्मान और राष्ट्रीय अस्मिता के लिए इतना लंबा संघर्ष विश्व के इतिहास में बेजोड़ है। श्री राम भारत की आत्मा, भारत की परिभाषा, हमारे राष्ट्रीय आदर्शों और जीवन मूल्यों के प्रतिनिधि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो हर हिंदू के होठों पर जन्म से मृत्यु तक रहे, बस यही हर हृदय में प्रार्थना होती है। राम भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान और आसेतु हिमालय से समुद्र पर्यंत तक जन जन को एकात्मता के बंधन में बांधने वाले रक्षा सूत्र है। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि पर बाबर का हमला वास्तव में भारत के स्वाभिमान और राष्ट्रीयता पर हमला था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का पुनः निर्माण न केवल बाबरी मानसिकता का परावाव है, बल्कि संपन्न, सुखी, सुसंस्कृत, सर्वशक्ति संपन्न स्वराष्ट्र का सूर्योदय भी है। यह उस राम राज्य की दिशा में वह कदम है जिसकी अभिलाषा राज राजेंद्र चोल, कृष्ण देव राय, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर महात्मा गांधी तक ने की थी। अयोध्या में जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर न सिर्फ राष्ट्रीय गौरव होगा, बल्कि वह श्री राम के आदर्शों का राष्ट्र मंदिर होगा। अब वह महान संकल्प पूरा होने जा रहा है। आइए इस राम यज्ञ, राष्ट्र यज्ञ में जिन ज्ञात और अज्ञात भारतीयों ने अपनी आत्माहुति दी है, उनका पुण्य स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।